मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवा दिवस, मकर संक्रांति और लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तैयारियों की बैठक ली एवं जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में आयोजित पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं योग गुरु स्वामी रामदेव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज सनातन भूषण सम्मान एवं संत समागम कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा हरिद्वार में सनातन भूषण से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर योग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, शंकराचार्य राज राजेश्वर नंद आश्रम महाराज, आवाहन पीठाधीश्वर अवधूत अरुण गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतानंद जी महाराज सहित अन्य पूज्य संत उपस्थित थे। हरिद्वार में आयोजित पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व अवंतिका नगरी उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त कर 14 विद्याओं और 64 कलाओं में पारंगत हुए थे। वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू की गई नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी हर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास और उनमें मानवीयता के उत्कृष्ट मापदंडों को पुनर्स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरिद्वार के गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचे और सन 1926 से सतत प्रज्वलित सिद्ध अखंड दीपक के दर्शन कर समाज और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शांति कुंज में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं श्रद्धेय शैल दीदी से भेंट कर विभिन्न रचनात्मक और सृजनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदित्य L1 की सूर्य की अंतिम कक्षा में प्रवेश करने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के समस्त वैज्ञानिकों को बधाई दी।